खरगोन जिले की आदिवासी तहसील सेगांवा वैसे तो 37 ग्राम पंचायतों और करीब छोटे बड़े 70 गांवों का एक लंबे अरसे से प्रतिनिधित्व करती आ रही है, लेकिन व्यवस्था आज भी वहां अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें तो वह भी अत्यधिक दयनीय है। गत दिनों नगर के ही अशोक यादव को खेत में सांप ने काट लिया था। उसे परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए, उसका प्राथमिक उपचार कर खरगोन जिला चिकित्सालय रेफर करना, लेकिन चिकित्सक द्वारा मोबाइल लगाने पर 108 कोई अता पता नहीं मिला। मजबूरन परिजनों को ताबड़तोड़ किराए के निजी वाहन से ले जाना पड़ा, जिससे मरीज को बीमारी के साथ आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। वहीं आज बुधवार को 108 एम्बुलेंस की पड़ताल की तो वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ी नजर आई। एम्बुलेंस की हालत भी दयनीय मिली। उसके आगे दोनों टायरों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। इन बड़े गड्ढे होने के बाद भी ड्राइवर जान हथेली पर लेकर एम्बुलेंस चला रहे हैं। बताया कि इस तरह की हालत में मरीजों को समय अस्पताल कैसे ले जाएं, यह भी विकट समस्या बनी है। 108 एम्बुलेंस की इस दयनीय हालत के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व बड़े अधिकारी मौन है। सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल